matrix A has x rows and x plus 5 columns, the matrix B has y rows and 11 minus y columns. Both A, B and B exist. What are the values of x and y respectively? Yes, you have find out? Yes, sir. Okay, mm-hmm. Sab log find out kar liye. Kya hogi x ki value? X ki value? 3. 3. और y की वैल्यू 8. अच्छा ठीक है, तो आपने क्या किया, एक मैट्रिक्स A है, ठीक है, तो आप ऐसे बनाएंगे इसको. बनाने का तरीका आपका होगा, मैट्रिक्स A है उसमें x रो है, ठीक है, और x प्लस 5 क्या है, कॉलम है, ठीक है. मैट्रिक्स B है, मैट्रिक्स B में कितने रो है, मैट्रिक्स B में कितने रो है, y रो है और कितने कॉलम है, 11 माइनस y, ठीक है. तो देखो ए बी एग्जिस्ट करेगा, तो ए बी के लिए क्या होना चाहिए, ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई होना चाहिए, जैसे क्लियर. तो एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फाइव, ये आपका एक आया एक्स और वाई में इक्वेशन. दूसरा बी एग्जिस्ट कर रहा है, तो बी एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, 11 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 11. तो आप सॉल्व कर सकते हैं, 11 5 कितना होगा, दोनों को ऐड कर दो, 11 5 16, तो x की वैल्यू यहां से आ गई 2x is equal to 16, तो x की वैल्यू ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे 1 plus 2, तो 1 plus 2 करोगे तो 2x is equal to 16, तो x is equal to कितना हो जाएगा 8, तो x की वैल्यू जब 8 आई तो y की वैल्यू 3 होगी, ठीक है. तो आपने क्या लिखा है, 3 एंड 8 बोला है, तो 3 एंड 8 थोड़ा ही होगा, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है ना, y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3, तो corresponding होगा ना option number A होगा. सर x minus y की वैल्यू अपने equation में आएगा, इसमें minus 5 आएगा. अच्छा, ठीक है ठीक है, x minus y is equal to minus 5, ये तो ठीक है ना, दूसरा वाला, तो ये हो जाएगा 11 minus 5 6, और ये हो जाएगा 6, ठीक है. yes, x की वैल्यू आपकी 3 आ रही है, ठीक है, तो फिर सी नंबर ऑप्शन 3 एंड 8. कोई डाउट किसी को, सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड. If A is a square matrix, then the value of adjoint of A transpose minus adjoint of A ka transpose is equal to. Kya hoga? Achha question hai. Try to solve this question. Pahle dono aap solve kar lijiye, dono ek saath. Uske baad discuss karenge dono ek saath. Chahiye hum tha. Humne dekha ki A jo hai square matrix hai, value iski aapko find out karni hai, adjoint of A ka transpose minus adjoint of A ka transpose is equal to. Then all matrix hoga jiska order same as that of A hoga. ठीक है, what should be the value of x so that matrix this does not have an inverse. तो उस केस में आपको determinant of a की वैल्यू 0 के ऊपर कर देंगे, सर determinant of a 0 के ऊपर कर दोगे, 2x plus 32 is equal to 0, 2x minus 2x is equal to minus 32, x is equal to minus 16. Next question, थोड़ा सा GP का question है, आप लोग confused हो गए. If u, v and w all positive, सभी को क्या लेना है, आपको पॉजिटिव लेना है, ये सभी जो है वो पी एट टर्म, क्यू एट टर्म और आर एट टर्म है जीपी पे, तो आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है इस मैट्रिक्स का. तो मैट्रिक्स का ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, समथिंग इज गिवन इन दिस बॉक्स, एल एन यू पी वन, एल एन वी क्यू वन, एल एन डब्ल्यू आर वन, ठीक है, तो इस तरह से आपको ये दिया हुआ है. तो अब इसमें क्या करना है कि इसका यूज करना है, यू वी डब्ल्यू का, पी क्यू आर का, तो क्या आप जीपी के टर्म मानने जाओगे, सपोज करने जाओगे, नो, देयर इज नो एनी नीड टू सपोज. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक एनी कांस्टेंट टर्म या कोई भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू ले लो यहाँ पे, इसलिए कि पी क्यू आर दिया हुआ है जीपी का टर्म, यू वी डब्ल्यू, तो हम मान लेते हैं ना, इसमें कोई कंडीशन थोड़ी है कि वन फर्स्ट टर्म है या सेकेंड टर्म है, ऐसा तो कुछ नहीं दिया हुआ है. हाँ, बस यू वी डब्ल्यू की वैल्यू हमें पॉजिटिव लेनी है, नेगेटिव नहीं लेनी है. पॉजिटिव मीन्स 1 2 3 आप ले सकते हैं. आपको क्या करना है, आप मान लो पी और टर्म को फर्स्ट टर्म सपोज कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम फर्स्ट टर्म सपोज कर लेते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म ये आपको कितना दिया हुआ है, यू को क्या सपोज करेंगे आप, जीपी में होना चाहिए, आपको इस तरह से सपोज करना है, इसको क्यू को आप सेकेंड टर्म सपोज कर लो और आर को आप थर्ड टर्म सपोज कर लो, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म भाई मैथड भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक है इसका, इजी है, होगा बिल्कुल विद इन फ्यू सेकंड्स आपके आंसर आएंगे. तो यू वी डब्ल्यू को आप क्या करोगे, सपोज कर लो यू वी डब्ल्यू को, अब यू वी डब्ल्यू को इस तरह से सपोज करना है कि वो जीपी में होनी चाहिए,
ठीक है, तो आपने अगर वन सपोज किया तो दूसरे को क्या सपोज करना होगा? टू। फर्स्ट टर्म को आपने वन सपोज किया तो सेकेंड टर्म को टू, थर्ड टर्म को क्या सपोज करना होगा बता सकते हैं कोई? जब थ्री टर्म ए बी सी जी पी में होते हैं तो क्या होता है? बोल गए आप लोग, ए बी सी जब जी पी में होते हैं तो बी स्क्वायर मीन बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी, तो यहाँ से बी स्क्वायर फोर फोर ए सी फोर। ठीक है, अब समझा रहे हैं आपको, पता है फोर, बट सब लोगों को समझ में आना चाहिए ना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो इसका स्क्वायर जो है इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए, तो यहाँ पे फोर होगा। अब आप रख दो उसमें वैल्यू, समझ में आ रहा है? वैल्यू रख के सॉल्व कर लो। एल एन वन ये क्या हो जाएगा? जीरो। एल एन वी एल एन टू हो जाएगा, ये है ना डब्लू, ये आपका हो जाएगा एल एन फोर। कोई डाउट किसी को इसमें? अब देखो इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, तो हम डिटरमिनेंट लगा देंगे ना, कोई कंडीशन इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, डिटरमिनेंट लगा दिया, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कैसे देखते हैं। पी क्यू आर, पी कौन सा टर्म है? फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, और ये हो जाएगा वन वन वन। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है एल एन टू बाहर ले लो, ये क्या हो जाएगा? ये भी वन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? एल एन टू, एल एन टू बाहर लोगे, एल एन फोर को क्या लिखते हैं? नॉक की प्रॉपर्टी नहीं पता है आपको, एल एन फोर इज इक्वल टू वी कैन राइट आउट एल एन टू का होल स्क्वायर, और जो होल स्क्वायर में होता है वो लॉग के क्या होता है? आगे आ जाता है, तो टू एल एन टू इसको लिखेंगे आप। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, टू बाहर लेंगे, सॉरी एल एन टू बाहर लेंगे इसमें इस फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, तो एल एन टू आप बाहर लेंगे तो जीरो हो जाएगा, वन हो जाएगा और ये टू हो जाएगा। अब आप सॉल्व कर सकते हैं ना, वन टू थ्री कितना ही जीरो हो गया, वन वन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, जीरो आएगा आंसर भी जीरो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन का हमेशा आंसर जीरो ही आता है मैक्सिमम केसेस में, जब भी एल एन यू एल एन वी एल एन डब्ल्यू दिया जाता है लॉग का मैक्सिमम मीन्स 99% केसेस में बोल सकते हैं, 1% ही चांस होता है कि उसका आंसर जो है आपका कुछ और है, लेकिन जब भी लॉग की इस तरह से वैल्यू दी रही होती है तो डिटर्मिनेंट अगर फाइंड आउट करना हो और किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में अगर लॉग दिया हुआ हो तो मैक्सिमम केसेस में आपका जीरो होता है। बाई द वे कभी ऐसा हो कि ना हो, लेकिन 99% केसेस में हम बोल सकते हैं कि उसका आंसर जीरो ही होगा इस तरह से, इसलिए कि जीरो के अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन सेट ही नहीं हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा वो अगर उसका आंसर जीरो नहीं आएगा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक कॉन्स्टेंट सपोज करना था, मेथड सही है? हाँ बिल्कुल सही है, अगर आपको जी पी में ऐसे ही तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व करते हैं। अब आप जी पी कंसिडर करोगे कि ए जो है फर्स्ट टर्म है, आर जो है कॉमन रेशियो जीपी का, उसके बाद आप हर एक टर्म को लिखोगे और ज़्यादा वेरिएबल का यूज़ करोगे तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे कैसे सॉल्व करें, तो उससे ज़्यादा अच्छा और इजी मेथड होता है कि आप कॉन्स्टेंट उसमें जो कंडीशंस दी गई है उसको फुलफिल करते हुए कि यू वी डब्ल्यू क्या है, सभी पॉजिटिव है, हमने सबको पॉजिटिव ले लिया, जीपी के टर्म नेगेटिव भी तो हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर कंडीशन दी गई है ऑल पॉजिटिव, उस कंडीशन को आप फुलफिल करके वैसे टर्म आप मान लो, उसके बाद विदिन फ्यू सेकेंड्स आपके आंसर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। A is a square matrix of order 3 such that its determinant is 4. What is the determinant of its transpose? देखो इजी है, determinant की जो वैल्यू होगी तो transpose का अलग से थोड़ी हो जाएगा, वही सेम होगा, तो 4. ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट A एंड B बी 3 बाई 3 मैट्रिसेस, ये आपका सॉल्व हुआ है, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, आपने प्रॉपर्टी नहीं देखी सर, प्रॉपर्टी आपने बताई थी, तो एक प्रॉपर्टी सेम क्वेश्चन है, उसका यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लेट ए एंड बी बी 3 बाय 3 मैट्रिसेस विद डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 3 आपको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ 2ab, तो क्वेश्चन इज डिटरमिनेंट ऑफ 2ab की वैल्यू आपको पूछा जा रहा है, तो हम आपको बताए थे डिटरमिनेंट ऑफ k * अगर नहीं भी लिखे हो तो आप फिर से लिख लो, k * अगर ab होता है तो इसको हम लोग लिखेंगे k की पावर n, इतना बताया थे आपको, डिटरमिनेंट ऑफ a याद आया प्रॉपर्टी, तो इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आया हुआ है, अभी रिसेंट जो है वो ये 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए कि इसको मैट्रिसेस में क्या है कोई ऐसा चीज़ नहीं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सके, तो थोड़ा सा बच्चों को उलझाने के लिए प्रॉपर्टी का यूज़ करके वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए।
देखो k की पावर n इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू डिटरमिनेंट ऑफ b, जिसका फॉर्मूला मिल जाएगा आपका k क्या है, कांस्टेंट है, n क्या है, n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर भी आपको दिया हुआ है, इजी हो गया। मेन आपका कांसेप्ट यहां पे था, ये कांसेप्ट अगर आपको पता रहेगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके अभी देखो डिटरमिनेंट ऑफ 2ab इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू डिटरमिनेंट ऑफ b, आप देखो 2 की पावर 3 2 की पावर में 3 है आपको यहां पे, मींस ये आपका हो जाएगा 8 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a कितना दिया हुआ है 4 और इनटू 3 तो कितना होगा 96 आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर होगा आपका 96 a नंबर ऑप्शन, सेकंड का वही सेम। अब सेकंड में क्या करेंगे कि सर इनवर्स पूछ लिया है, सर जो ऑर्डर होता है वो रोज का इनवर्स है, सॉरी ए बी का इनवर्स की वजह से। यस सर जो ऑर्डर होता है वो रोज का नंबर होता है या फिर कॉलम का, ऑर्डर में 3x3 दिया हुआ है ना, तो 3 जो होता है ना आपका ये रो को डिनोट करता है, नंबर ऑफ रो को। फर्स्ट जैसे आपने n, हां n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, और ये डिटरमिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का कब पॉसिबल होगा, जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इस नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे, 2 into 3 का मैट्रिक्स होता तो नो इट इज नॉट पॉसिबल, डिटरमिनेंट ही पॉसिबल नहीं होगा ना, तो कैसे आप उसका डिटरमिनेंट a और 4 होगा 3 हो जाएगा, a का डिटरमिनेंट 4 कैसे हो जाएगा और 3 कैसे हो जाएगा, आप बताओ खुद ही, जब 2x3 का मैट्रिक्स होगा तो उसका डिटरमिनेंट ही पॉसिबल नहीं होगा। आई हैव टोल्ड यू इन माय प्रीवियस क्लासेस कि डिटरमिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का कब पॉसिबल होगा, जब वो मैट्रिक्स क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, मींस नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम उस मैट्रिक्स के इक्वल होंगे, इज इट क्लियर। द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस कि अब हमें ये फाइंड आउट करना है, अब फाइंड आउट कर सकते हो इसको सेकंड वाले पार्ट को, व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ 3a b की इनवर्स इज इक्वल टू, b का इनवर्स आपको दिया हुआ है, इसका डिटरमिनेंट आपको फाइंड आउट करना है, यू है देख लो इधर आप डिटरमिनेंट ऑफ 3a into b का इनवर्स, वी हैव टू फाइंड आउट दिस, we can write down this as 3 to the power 3 3 3 to the power 3 into what determinant of a into determinant of b ka inverse, is it clear? And I have told you determinant of b ko inverse ko kaise likh sakte hain, 3 3 is a 9 aur 3 is a 27, is it clear? 27 into determinant of a kitna diya 4, ab determinant of b inverse ko likh sakte hain 1 upon determinant of b, this you can write down, so 27 isliye ki inverse means kya upon b to hota hai, inverse means 1 upon a, so this is 27 into 4 into 1 upon determinant of b kitna hai 3 aur 3 se 6 9 3 is a 27 aur 9 4 is a 36 is the answer, koi doubt kisi ko isme, isko write down this part, जब भी आपको एपी और जीपी का क्वेश्चन आए डिटरमिनेंट में तो आपको हमेशा कांस्टेंट टर्म ही सपोज करने हैं, कभी उसके वो ऐसा नहीं करना है कि उसको प्रोसीड करने वेरिएबल सपोज करके, तो उस केस में आप सॉल्व ही करते रह जाएंगे, फिर टाइम भी आपका खत्म हो जाएगा, हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व भी ना हो। हो गया, चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इनटू a माइनस b, a माइनस i इनटू i प्लस a इज इक्वल टू 0, a स्क्वायर इज इक्वल टू i, तो वेयर i इज द एंट्री मैट्रिक्स एंड o इज द नॉन मैट्रिक्स, व्हिच ऑफ द अबव इज करेक्ट, ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम लोग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो है वो a प्लस b इनटू a माइनस b नहीं हो सकता, हम पहले इसको चेक करेंगे, ठीक है, तो a प्लस b इनटू a माइनस b अगर हम करेंगे तो देखो a प्लस b into a minus b, this you have to multiply, so a plus b into a minus b, so a into a will be what, a square, or minus, plus into minus, minus, and a into b will be minus of ab, and plus of ba, and plus of
प्लस इंटू माइनस माइनस और बी इंटू भी बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इट क्लियर ए बी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी वी नो दैट कि द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन इन दिस केस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए तो ए बी ए और बी कोई दो मैट्रिक्स हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि उनका प्रोडक्ट जो है वो ए इंटू बी वो बी इंटू ए के इक्वल ही होगा ठीक है तो ये आपका मीन्स स्टेटमेंट वन नंबर इज फॉर इनकरेक्ट तो दिस इज इनकरेक्ट दिस इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट टू इज व्हाट ए माइनस आई इंटू आई प्लस ए इज इक्वल टू जीरो तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे कि ए माइनस आई इंटू आई प्लस ए इज इक्वल टू जीरो नॉन मैट्रिक्स के इक्वल दिया हुआ है तो इसको आप सॉल्व करोगे आफ्टर डूइंग मल्टीप्लीकेशन ए माइनस आई इंटू आई प्लस ए तो ए इंटू आई विल बी ए आई और प्लस ए स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर सॉरी आई का स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर और माइनस वट माइनस आई इंटू ए इज इट क्लियर इज इक्वल टू वट जीरो इज गिवन अब देखो आई स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर भी कर लो या आई की पावर एन भी कर लो आपको बताया था कि आई की पावर एन क्या होता है हमेशा आई होता है क्लियर ये चीज तो ए आई और आई ए तो अब आप देखो कि किसी भी मैट्रिक्स ए में अगर आई को मल्टीप्लाई करोगे ठीक है या किसी भी मैट्रिक्स ए में हम आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या आई में जो है हम ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों ये सेम आते हैं मतलब जब किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी इंडिविजुअल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है ये स्पेशल केस है दिस इज नोन एज स्पेशल केस कि ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा कब फॉलो नहीं करेगा जब दो मैट्रिक्स अलग अलग होंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होंगे उसमें तब वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेंगे यहाँ पे ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए तो इस केस में क्या हो जाएगा ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपको बचेगा ए स्क्वायर माइनस आई इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई क्लियर है तो स्टेटमेंट टू इज व्हाट करेक्ट देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई लिखा हुआ तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट टू ओनली एट नंबर क्वेश्चन इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर एट व्हाट इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स तो एडजॉइंट आप फाइंड आउट करोगे तो आपको पता है ना कैसे करना है इसको You know about this, कि cos theta लिख लेना sin theta 0 minus sin theta cos theta 0 0 0 1 तो आपको क्या करना है cos theta sin theta and 0 इसको नीचे extend कर देना है minus sin theta cos theta and 0 अब देखो right hand side में दो रो को आपको फिर लिखना है जो आगे के means before this दो जो दो रो है इसको आपको लिखना है तो cos थीटा इनटू ये हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा दिस बिकम्स जीरो cos थीटा और माइनस साइन थीटा इज इट क्लियर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस साइन थीटा cos थीटा जीरो साइन थीटा एंड cos थीटा इज इट क्लियर अब ये देखो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को आप स्किप कर दो बाकी जो होंगे cos थीटा इनटू 1 ऐसे आप कर लोगे ना यस तो फाइंड आउट कर लेंगे तो ये इजी क्वेश्चन था इनवर्स का नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन नंबर आपका ए इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा दिया होगा जी सर इनवर्सली हो गया नहीं इसको ट्रांसपोज करेंगे अभी ट्रांसपोज करने के बाद एडजॉइंट आएगा ठीक है डिटरमिनेंट भी तो आप इसका फाइंड आउट करोगे डिटरमिनेंट भी तो फाइंड आउट करोगे डिटरमिनेंट किसके क्रॉस फाइंड आउट करोगे कौन से कॉलम के क्रॉस कौन से रो या तो इसके क्रॉस आप कर लो ठीक है थर्ड कॉलम या थर्ड रो के क्रॉस तो आप वन के क्रॉस देख लो क्या आंसर होगा इसका cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आएगा वन आएगा आंसर समझ में आया आपको वन के क्रॉस करोगे तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा वन आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपको क्या फाइंड आउट करने की जरूरत है अलग से नो वन आ गया आपको इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू यहां पे नहीं लिखनी अपॉन में वन होगा ही तो ये आपको बस एडजॉइंट निकाल के उसको लिखना है वही उसका क्या होगा आपका एडजॉइंट उसको ट्रांसपोज करने के बाद आएगा इस मैटर की शॉर्ट ट्रिक जो है इसको ट्रांसपोज करने के बाद आएगा नेक्स्ट नाइन नंबर क्वेश्चन इफ ए इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा देन
a to the power 3 is equal to what? So you have to find out this. तो आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे थ्री टाइम्स या थीटा की वैल्यू ले लें कुछ ऐसा आप कर सकते हैं इजी वे में. आप कॉस थ्री थीटा साइन थ्री थीटा लिखा हुआ है तो आपके पास टू ऑप्शंस हैं. या तो आप क्या करें कॉस थीटा और साइन थीटा को एक साथ जो है लेके जाए और मल्टीप्लाई करें फिर उसके बाद आप कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला देखें कॉस क्यू थीटा का फॉर्मूला देखें उसके बाद इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करें ठीक है. लेकिन जिसके पास फॉर्मूला मान लो ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला आपको नहीं आ गया स्कीप कर गए तब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. कैसे? बस वैल्यूज से. यस ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन ठीक है 80% टू 90 मतलब 85% क्वेश्चन जो है वो आपको वैल्यूज से सॉल्व हो जाते हैं चाहे कितने भी कॉम्प्लिकेटेड रहे ठीक है. तो देखो इसमें कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा तो क्या करो वैल्यू पुट कर दो थीटा की और थीटा की हमें वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट ले लो ऐसा जो स्टैंडर्ड एंगल हो ठीक है तो आप उसको ले लो स्टैंडर्ड एंगल और काफ़ी ईजी हो जाएगा ठीक है. थीटा की वैल्यू कौन सी स्टैंडर्ड एंगल ले लो अब बताओ जीरो ले लो साइन जीरो क्या हो जाएगा कॉस जीरो वन साइन जीरो क्या हो जाएगा जीरो ये क्या हो जाएगा जीरो आपका अगर आप 90 लोगे तो cos 90 माइनस sin 90 जीरो हो जाएगा माइनस कॉस 90 तो जीरो होता है ना. हाँ कॉस 90 अच्छा हाँ कॉस 90 जीरो वन होता है कॉस कॉस जीरो वन होता है कॉस 90 जीरो होता है ठीक तो है कॉस 90 जीरो होता है और कॉस जीरो वन होता है साइन जीरो जीरो होता है साइन 90 क्या होता है वन होता है साइन 90 वन होता है ये आपका जीरो जीरो हो गया. अब देखो ये अलग आ रहा है ना उससे माइनस साइन और माइनस ऑफ साइन क्या हो जाएगा 90 फिर दो वन आएगा ऊपर ठीक है और माइनस ऑफ वन और ये आपका हो जाएगा जीरो ठीक है. तो इसको आप एक बार करके देख लो. अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमने क्या सपोज किया 90 डिग्री तो इसमें करके देख लो किसमें आ रहा है. अब आपको ये नहीं कि 270 डिग्री आ जाए तो वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते. 270 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना आप इसकी. तो अगर कॉस 270 डिग्री आ जाए तो उस केस में भी आप वैल्यू उसकी फाइंड आउट कर लेना. ऐसे तो क्यू है 3 थीटा में आएगा आपको बाकी क्यू थीटा में नहीं आएगा. क्या आंसर होगा क्या रहा है सब चेंज हो गया सर. ए स्क्वायर निकालने पे तो जहाँ पे 0 0 है वहाँ माइनस वन आ रहे हैं जहाँ पे 1 और माइनस वन है वहाँ 0 0 आ रहा है. ए क्यू फाइंड आउट करने के बाद क्या आ रहा है ए क्यू ए स्क्वायर आप फाइंड आउट करोगे सबसे पहले ऐसा कर दो ना वो भी तो हमारा ठीक ही था. आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसमें क्या करो जीरो पुट करके देख लो कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है ठीक तो था वो भी हमारा. अगर जीरो रखेंगे तो उसको ए क्यू आपको करने की जरूरत नहीं होगी. देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग मल्टीप्लिकेशन ठीक है. तो आप यहाँ पे क्या ले लो 1 0 इसको थीटा इज इक्वल टू 0 ले लो तो कॉस 0 1 और साइन 0 0 और माइनस तो ये भी 0 हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 0 0 और ये 1 हो जाएगा. इसका मल्टीप्लिकेशन ए क्यू भी करोगे या ए टू द पावर एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा. इसमें जीरो रख के देख लो कौन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है. अब देखो कॉस 0 यहाँ पे कॉस 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 1 और साइन 3 इंटू 0 ये क्या हो जाएगा 0 ये माइनस 0 मतलब 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1. इसके अलावा कोई नहीं क्या समझ में आ रहा है. इसके अलावा किसी का सेम नहीं है आ रहा है किसी का सेम नहीं आ रहा है क्यों में आ रहा है. अच्छा ये वाला हाँ ये भी सेम आ रहा है ये भी सेम आ रहा है और ये वाला पार्ट ये भी सेम आ रहा है. दो दो आ गए वाले हाँ दो आ गए तो वही चीज़ है फिर वही करना होगा. इसमें सेम आ जा रहा है ना ऑप्शन वही करना होगा आपको 1 0 माइनस वन माइनस वन कर दे ठीक है. इसको बना देना सर दोनों में से हम देख कौन सा रहेंगे
क्या इसमें अगर डिफरेंस आपको देखना होगा तो देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि कॉस थीटा और साइन थीटा, एक बार आप ऐसे सीक्वेंस भी देख सकते हो, माइनस साइन थीटा एज वेल एज कॉस थीटा, तो आपका ये ए मैट्रिक्स है और दूसरा मैट्रिक्स आपका है ये सेम साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा एज वेल एज कॉस थीटा, दिस इज गिवन। अब इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या आ रहा है, देखो कॉस, यहाँ से आपको पता चल जाएगा, अगर एक बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में क्या होगा इन दोनों ऑप्शन में से। तो कॉस स्क्वायर थीटा और फिर ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस टू थीटा। अब देखो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये आ जाएगा साइन टू थीटा। समझ में आ रहा है, इज इट क्लियर। ऐसे ही जो है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बाई मेथड अगर करेंगे तो इसी तरह से हम लोग करेंगे, तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस मतलब माइनस साइन टू थीटा डायरेक्टली वी कैन से, एज वेल एज नेक्स्ट स्टेप माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस टू थीटा, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इसको ए से मल्टीप्लाई करोगे, इससे ए से अगर बाय मेथड हम चले तो देखो अब cos 2 थीटा cos 3 थीटा आ जाएगा सर, ये ऑप्शन एज वेल एज, समझ में आया, तो 3 थीटा का आ जाएगा। तो यहां से आपको जो है वो एनालाइज करना है, तो ए नंबर ऑप्शन विल बी करेक्ट। ऐसे क्यों हम बोल दिए, इसलिए अगर देखो मान लो cos 2 थीटा यहां पे नहीं बनता तब तो क्यों वाला आंसर होता पक्का, ठीक है। cos 2 थीटा आपका यहां पे बनता है तो ये 3 थीटा बनेगा, फिर आगे जाके ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी नहीं होगा, क्लियर है। तो ये आपको इतना चेक करना होगा, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन को देख के वो आपको समझना जरूरी है विद इन फ्यू सेकंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या हो, कॉस अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या हो, कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है। इसको कोई डाउट्स में, अब देखो ऑप्शंस को कैसे हम क्या करते हैं, इसको एलिमिनेट करते हैं। तो देखो आप प्लस में हैं, तो अगर प्लस में करते हैं तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा मीन्स कॉस सी प्लस कॉस टी का फॉर्मूला हो जाएगा, और कॉस सी प्लस कॉस टी का फॉर्मूला हमेशा इंटू में होता है, तो ये माइनस ऑफ बीटा माइनस ऑफ अल्फा, ये माइनस ऑफ बीटा माइनस अल्फा पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। इसलिए कॉस सी प्लस कॉस टी का क्या फॉर्मूला होता है, याद है किसी को, कॉस सी प्लस कॉस टी का 2 इंटू कॉस सी प्लस टी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस टी बाई टू, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी तो वैसे भी नहीं होगा, एलिमिनेट कर दो आप। अब इंटू करके देखना है, एक में बोल रहे हैं माइनस मीन्स ए ऑफ माइनस अल्फा इंटू ए ऑफ माइनस बीटा, और लास्ट वाले ऑप्शन में ए ऑफ अल्फा इंटू ए ऑफ बीटा। तो हम क्या करते हैं, अगर माइनस दोनों में देंगे माइनस अल्फा तो ऑब्वियस सी बात है चेंज होगा, इसलिए कॉस के ऑगमेंट में देखो, कॉस के ऑगमेंट में अगर माइनस अल्फा आप लोगे तो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ऐसा क्यों होता है, कॉस अल्फा, कॉस का ऑगमेंट नेगेटिव से नेगेटिव भी अगर लेते हैं तो कॉस अल्फा हो जाता है, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कॉस में सेक में, ऐसा क्यों होता है, व्हाई फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एंड होती है, एक्सप्लेनेशन प्रॉपर से ये क्या आप समझे, आप पहुंचे वहां तक लेकिन आप एक्सप्लेन प्रॉपर नहीं कर पाए, यस यू यू टेल मी अबाउट दिस, यू समझना है इसको, कॉस माइनस ऑफ अल्फा हर एक चीजों को मैथ्स में आपको समझना है, कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है इसमें, कॉस ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, ऐसा क्यों होता है, इसलिए कि देखो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकंड दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, इज इट क्लियर। अब अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेते हैं तो कैसा एंगल होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट लेक्चर में बताते हैं आपको, अल्फा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, मींस एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मींस क्लॉक के डायरेक्शन के अगेंस्ट में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो अल्फा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अब देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये आपको क्या था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, अब क्या होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, नेगेटिव एंगल होता है, तो जितना इंक्लिनेशन ही पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा उतना ही नेगेटिव में, सपोज हम मान लेते हैं ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस अल्फा, मीन्स माइनस अल्फा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इसलिए यहाँ पे माइनस ऑफ कॉस अल्फा नहीं लिख सकते, इसलिए ये इसकी वैल्यू को क्या करेगा, अल्फा आपका क्या है, अल्फा एक्यूट एंगल है यहाँ पे, ठीक है, अल्फा जब भी यहाँ पे आपको दिया गया है तो एक्यूट एंगल सपोज करना, जब तक आपको ऑब्ट्यूस या अगर और कोई एंगल होता है जैसे 90 डिग्री या 180 डिग्री के बीच में लाई करता है तो आपको क्वेश्चन में मेंशन किया होता है, ठीक है, ये चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी है, ये सब चीज़ों की वजह से आपको गलती है, काफ़ी क्वेश्चन हो जाते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होता, आंसर भी आपके गलत आ जाते हैं, जब भी कुछ भी क्वेश्चन में ना दिया रहे इस तरह से साइन थीटा या कॉस अल्फा दिया रहे तो आपको अल्फा हमेशा एक्यूट एंगल सपोज करना, अगर वो ऑब्ट्यूस होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में एज वेल एज फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा आपको, ठीक है, तो ये आपका अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा एक्यूट एंगल है और माइनस ऑफ अल्फा मीन फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से टी रेशियोस पॉजिटिव होते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी बताए थे आपको, ठीक है, तो ऐड शुगर टू कॉफी तो सी फोर्थ क्वाड्रेंट में, मीन्स कॉस और उसका ऐसे ट्रबल से वो क्या होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसके ऊपर इसके ऑगमेंट में हम माइनस क्या करते हैं, माइनस अल्फा भी लिखते हैं तब भी वो कॉस अल्फा होता है, माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो सबसे पहले हम ए अल्फा इंटू ए बीटा को मल्टीप्लाई करके देखेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसको चेंज करने से पहले इस ऑप्शन को चेक करना चाहेंगे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आप ए अल्फा इंटू ए बीटा जैसे ही करोगे, ठीक है, तो आप इसको करके देखो ए अल्फा, इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे आपको, इंटू ए बीटा दिस यू हैव टू डू, ए अल्फा इंटू ए बीटा, अगर चारों ऑप्शन आपको चेक करना होगा तो शॉर्ट ट्रिक ही जल्दी अप्लाई करना होगा, अदरवाइज आप ऐसे मल्टीप्लाई करके बार बार चेक नहीं कर सकते, ठीक है, तो देखो ए अल्फा इंटू ए बीटा क्या हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा और माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है, सेकेंड नंबर केस माइनस, अब देखो यहाँ पे कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, तो माइनस कॉस अल्फा इनटू साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, और माइनस साइन अल्फा इनटू कॉस बीटा, समझ में आ रहा है क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस अल्फा इनटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इनटू साइन बीटा, यहीं से आप रिलेट कर सकते हो, यानी यहां पे भी कॉस अल्फा प्लस बीटा बन रहा है, हमारा मेन कंसर्न यही तो है, ए अल्फा प्लस बीटा था ना, यहां से सेकंड वाले भी चेक करो, अगर सेकंड वाले भी बनेगा तो इन दिस केस आंसर विल बी द बी ऑप्शन, ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा तो करेक्ट आंसर, तो आप देखो माइनस इसमें कॉमन ले लो तो कॉस अल्फा इनटू साइन बीटा, तो क्या किसका फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा, यस, तो कॉस अल्फा इनटू साइन बीटा माइनस कॉमन ले लो तो कॉस अल्फा इनटू साइन बीटा प्लस साइन अल्फा इनटू कॉस बीटा हो जाएगा, क्लियर है किसी को कोई डाउट, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, सेकंड नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा आपको माइंड अप्लाई करना है, लेट ए इज इक्वल टू ए आई सी, क्वेश्चन को आपको लैंग्वेज में ना देखिए यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में दे दिया है, यस, अभी नोट करने का टाइम देंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इसको तो आप देख लो, सेकेंड नंबर क्वेश्चन आई विल गिव यू द टाइम टू और नोट डाउन दिस फॉर, ठीक है, ए इज इक्वल टू ए आई सी, ये एन इंटू एन ऑर्डर का मींस स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड इट्स वाइट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन अल्फा इज, आपको क्या करना है, मींस ए आई जे का एडजॉइंट निकालना है, कोई डाउट किसी को इसमें, ए आई जे का क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है, मतलब ए का एडजॉइंट निकालना है, वो क्या होगा अल्फा आई से, मींस अल्फा टू थ्री निकालना है, तो अल्फा टू थ्री आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे आप, ए टू थ्री का क्या फाइंड आउट कर लो, कोफैक्टर, समझ आ रही चीज, ए टू थ्री का कोफैक्टर फाइंड आउट कर लो, और कोफैक्टर का डिटरमिनेंट, ठीक है, वही क्या हो जाएगा, एडजॉइंट की वैल्यू हो जाएगी, पूछ रहा है ना कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा 2 a 3 2 का करेंगे ना, हां a 3 2 सॉरी a 3 2 का ट्रांसपोज हो जाएगा ना इसका, a 3 2 का, a 3 2 का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो a 3 2 मतलब थर्ड रो इसके इस नंबर के अलोंग जो है, मींस थर्ड रो और सेकंड कॉलम में कौन नंबर है, 3 3 के अलोंग, देखो इसके रो में कौन एलिमेंट है, 2 और -1 ये स्किप हो जाएंगे, इसके कॉलम एलिमेंट है 2 और 5 ये भी स्किप हो जाएंगे, बचा क्या, बचा आपका 1 3 4 और 4, इसका डिटरमिनेंट ले लो आप, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, मींस व्हाट
डिटरमिनेंट पूछ रहा है ना, ऑब्वियस ही बात है, अगर a इज इक्वल टू दिस दिया हुआ वैल्यू दिया हुआ ऑप्शन में इस तरह से दिया हुआ, तो आपको कॉमन सेंस समझना है कि वैल्यू जब पूछ रहा है ऑप्शन में 1 माइनस 1 8 और माइनस 8 मींस डिटरमिनेंट पूछ रहा है, और आप कैसे फाइंड आउट करोगे 4 माइनस कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 ठीक है, तो 4 माइनस 12 इज माइनस 8, ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कोई डाउट किसी को इसमें, एक और बार एक्सप्लेन कर लें, किसको किसको नहीं समझ में है, आपको भी नहीं समझ में आपको ठीक है, योर इंटरसेप्ट कोई देखो a इज इक्वल टू a इज n इनटू n, ये n इनटू n ऑर्डर मैट्रिसेस है, डाउट है इसमें कोई नहीं। तो अब a इज a हम आपको इसीलिए शुरू से ही a इज a के फॉर्म में लिख के बताते हैं, a इज a वेयर i इज इक्वल टू व्हाट रो नंबर एंड j इज इक्वल टू कॉलम नंबर, ये तो सिर्फ ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए, यस कंफ्यूज करने के क्वेश्चन में दिया होगा बस ऐसे ही, और आपको शुरू से ही हम aij के फॉर्म में बता रहे हैं, aij n टू n ऑर्डर का मैट्रिसेस है एंड एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू अल्फा ij, मतलब अगर हम इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं तो ये क्या है अल्फा ij, ये भी कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा, एक्चुअल में एडजॉइंट ऑफ a c का निकालना है, aij का एडजॉइंट समझ में आ रहा है आपको, एडजॉइंट मींस क्या, एडजॉइंट ऑफ ए आई जे इसका अल्फा आई जे क्या होगा टू ए, यस अल्फा आई जे इज इक्वल टू व्हाट एडजॉइंट ऑफ ए आई जे, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, अल्फा आई जे इज इक्वल टू व्हाट एडजॉइंट ऑफ ए आई जे अ स्मॉल ए आई जे, दिस यू कैन राइट इट, समझ में आया। अब आपको क्या पूछ रहा है अल्फा टू थ्री, तो अल्फा टू थ्री इज व्हाट एडजॉइंट ऑफ ए टू थ्री, समझ में आया सबको, कोई डाउट आपको, आपको तो क्लियर है, आपको कोई डाउट, अब तो हो ही गया ना एडजॉइंट ऑफ ए टू थ्री, तो क्या होगा आपका थ्री टू एच, सर एक डाउट सर, थ्री प्लस टू ऑड होता है तो सर एट होगा ना सर, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से ही मल्टीप्लाई होगा, अगर ये ऑड होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एट, प्लस एट हो जाएगा कोई बात नहीं प्लस एट ठीक है, तो कोफैक्टर आपको फाइंड आउट करना है, इस केस में एडजॉइंट ऑफ ए टू थ्री क्या होगा, ऑर्डर का चेंज कर दो ए थ्री टू का, हमें फाइंड आउट करना है क्या कोफैक्टर, समझ में आया, कोफैक्टर फाइंड आउट करना है तो ए थ्री टू जो एलिमेंट है इसका कोफैक्टर आप फाइंड आउट कर दो, तो कौन से रॉ कौन से कॉलम में है, थर्ड रॉ और सेकेंड कॉलम में, मीन्स नंबर ऑफ रॉ और प्लस नंबर ऑफ कॉलम ऐड करोगे तो कितना होगा फाइव, और जो एक ऑड नंबर है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो माइनस ऑफ वन फोर और थ्री, क्लियर है ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन आता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, बस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन सर वेरी इजी, और तो टाइम अभी है ना और कर लेते हैं क्वेश्चन, कोई डाउट इसमें नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स के एक साथ क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो पॉसिबल करेंगे, बाकी आपको ऐसे क्वेश्चन हम सेंड कर देंगे ठीक है, तो क्वेश्चन जो होंगे वो सेंड कर देंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो आप घर से सॉल्व करके, बाकी सीट के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सब लोगों ने, सीट के क्वेश्चन जो भी डाउट हो आप पूछ लेना ठीक है, ओके तो थैंक यू फॉर ऑल द स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई दिस सेशन ऑफ वीडियो लेक्चर।